गोंडा शहर में छठ पूजा की धूमधाम देखने को मिली। शहर में दो स्थानों पर भारी संख्या में महिलाओं ने छठ मई की पूजा करने के लिए टोकरी में पूजा सामान लेकर विधि विधान से पूजा की, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इसमें नगर मजिस्ट्रेट राकेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, सीओ कृपापाल शंकर कन्नौजिया और भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। यहाँ तो छठ पूजा करने पर तैयारियाँ जोरों पे थी। महिलाएं देखिए हाथ में और ये लोग पानी में और खड़े होकर के पूजा करती हैं, व्रत भी रहती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि हम अगर नहीं रह पाते तो हमारे पति देव भी व्रत रहते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग तो तालाब के किनारे पूजा करते हैं। सूर्य उदय के पहले सुबह यही समय यही स्थान पे हम लोग आकर पूजा पाठ करेंगे और तभी हम लोगों का व्रत 30 दिन से लगातार हम व्रत रहते हैं। इसमें गन्ने का और कई प्रकार के फल और मिष्ठान लेकर पूजा किया जाता है। ज़्यादातर बात यह है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, जैसे बिहार, अररिया, देवरिया, गोरखपुर, इधर के लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ये हमारे यहाँ महिलाएं देखिए, इसमें छोटी बच्ची भी है, वो भी अपनी माँ के साथ आई हुई है। यहाँ और कुछ बच्चियाँ भी हैं, उनको भी ये शौक है किस तरीके से पूजा देखी जाए। राम नारायण जयसवाल, एबीएन समाचार, गोंडा। ये आप किस चीज़ का व्रत आप लोग रखी हुई? ये छठ का व्रत है। इसमें क्या क्या पूजा में लगता है? इसमें नारियल मेन होता है, नारियल, पान, सुपारी इसमें मेन होता है, और भी हर फल होते, सारे फल होते हैं। क्या इसमें व्रत भी रखा जाता है? जी हाँ, निराजल 3 दिन का व्रत होता है। इसमें पति भी रहते हैं आपके? हाँ, अगर हम नहीं रह पाएंगे तो हमारे पति करेंगे। फिर इतने टाइम आप लोगों ने पानी में हल्के पूजा किया है? हाँ, ये शाम, एक शाम को होती है, अर्घ दिया जाता है, एक सुबह होता है। सुबह कब? ये सुबह सूर्योदय के टाइम। फिर ऐसे ही आके पानी में खड़ी होंगी? हाँ।